आपका एहतराम जो है ना, वो चंद मादूद है, वो ऐसे लोग जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ। बड़ा बहादुर बिजनेसमैन था। पाकिस्तान के लिए खास कर जो आप दर्द रखते हैं ना, मैं उसको फील कर सकता हूँ। नहीं, वही जरासीम आप पे भी है ना, सारी जिंदगी मैंने बिजनेस किया और मेरे अंदर एक ही चीज़ सर, कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बीकर हाउस में। नहीं सर, नहीं, मैं तो चकवाल कमेटी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तुसी भी हसी हो? हाँ बिल्कुल हसी है, कुछ ही है। मैं नौकरी कर ही नहीं सकता, मेरा वो पैशन ही नहीं। ये क्रिएटिविटी जो आप बता रहे हैं, ये बाय बर्थ होती है इंसान के अंदर या डेवलप होती है? मैं कोई इतना लायक स्टूडेंट नहीं था, मैं एफबी वाला स्टूडेंट हूँ। मार नहीं, प्यार पे बिलीव करते हैं या जो हमारे जमाने में या आपके जमाने में जो मारें होती थी उस पे आप बिलीव करते हैं? तो मेरे ख्याल में शायद उस मार की वजह से मैं बागी हुआ था। मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि डिजास्टर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। मैंने 5 बोरी सीमेंट बेच के 10 रुपए मुनाफा लिया, सीमेंट ब्लैक की थी। किस चीज़ का ज्यादा रोल था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का? कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। मैं मतलब मुझे कोई डर नहीं लगता था। उसने बड़ा बुरा लफ्ज मुझे आगे से कहा कि तुम अंदर क्यों बैठे हो। हमने पहले दिन $2,50,000 की सेल की थी। जब उसने मुझे कार्ड दिया ना, तो वो कार्ड वो कनाडा की सबसे बड़ी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी थी। टाइम मैंने वहाँ से सीखी थी कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। $1.5 million की सेल्स, $1 million को नोबडी कैन इवन एक्सपेक्ट इट। हमने पहले साल में 12 या 15 million की सेल की थी। आपकी आईटी जो है ना, वो इस मोहताजी के उस कैटेगरी में नहीं आती। रिक्वायरमेंट्स क्या आती है उस कंपनी की? वही आपको बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे $10 million का बेच। आईटी के बंदे को नौकरी करनी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप जितने यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उससे जाना, उनको मूव करें बाहर। तो आप कहते हैं उस मिडलमैन को खत्म करो? उस मिडलमैन को खत्म करो, मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन। सानू सब तो पहले असान बंदियां नू लोकां नू मुनाफकत तो निकलना चाहिए बाहर। मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है मेरे घर में मेहमान आए। तो 500 बंदा, $30 billion, इतना बड़ा क्लेम। तो मैं तो खुद कीते ना, मैं तो मतलब इजी है। रात में ख्वाब चाया मैंने कि मैं ना मिट्टी की हांडी खाना बना रहा हूँ। वो गई थी ना मड चकवाल तो चले उसमें अहमदपुर शहर के पहुंच गए। आप कंटेनर लेके यूएसए पहुंच गए? पहुंच गए, कंटेनर कस्टम क्लियर कर गया, कस्टम यूएसडीए क्लियर कर गया। मतलब मैं लगता मैं फेल हो गया आज, क्योंकि मैं लॉज नहीं पता। स्पेशल फैक्ट्रीज होती हैं जो लेड को निकाल लेती हैं, कहती हैं दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं। मैं एक पाकिस्तानी शहर, यकीन करें जिस तरह बंदा अपने पीर को मिलता है ना, आपसे मिलना मैं मेरे लिए सादत सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर नांडला और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, मुर्शिद मसूद काजी साहब, जो कि अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान विज़िट पे हैं और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट रन करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में इनके बिज़नेस का एक्सपीरियंस है और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ सीक्रेट्स भी इनसे लेंगे कि बिज़नेस के बेसिक एथिक्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए बिज़नेस करना बेहतर है या बाहर जाना, ख़ासकर यूएसए जाना बेहतर होता है, और यूएसए जाने के लिए कोई शॉर्टकट भी मौजूद है क्योंकि अक्सर वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हों और हम यूएसए मूव करना चाहें, कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम यूएसए मूव कर सकते हैं, और यूएसए की लाइफ के बारे में भी इनसे पूछेंगे, क्या वो हमारी तरह ही है या हमसे ज़्यादा आसान है वहाँ पर रहना, और वहाँ पर बिज़नेस की क्या सिचुएशन होती है, जॉब्स की क्या सूरत हाल है, लोगों का रहन सहन कैसा है, और ख़ासकर जो जिस तासुब के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा है, जो भी हमारे यहाँ बातें मशहूर हैं, इसमें कितनी एक सच्चाई है। तो काजी साहब जनाब, वेलकम टू मुल्तान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो ये मेरी बढ़िया एक कह लें कि खुशकिस्मती है, मैं तो गुजर रहा था सड़क से। आपको बहुत शुक्रिया कि मुझे जनाब की, और आम हालात में ये बहुत कम होता है। बिल्कुल, तो ये मतलब आपका एहतराम जो है ना, वो लाइक चंद मादूद है, वो ऐसे लोग जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ सर, तो आपका शुमार उन लोगों में होता है। तो बहरहाल मैं इनको इंटरप्ट करके आपको एक और बात भी आगाह करूँ। इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तुर्की में इस्तांबुल में, और मैं इनका एक जिस तरह कहते हैं इनकी तहरीरों का फ़ैन तो बड़े अरसे से था, लेकिन वहाँ पे जब इनसे मिला बिलमुशाफा, और आप पाकिस्तान के लिए ख़ास कर जो आप दर्द रखते हैं ना, मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो उस चीज़ ने मुझे आपका काइंड ऑफ फ़ैन बना दिया माशाल्लाह से। नहीं, वही जरासीम आप पे भी है ना, सेम वही जरासीम। वो इसी तरीके से देखे ना, जब दो मेंटल लेवल जब एक हो जाता है ना, मतलब वो तारें जब जुड़ती हैं ना, तो वो फिर
नेचुरली वो कशिश पैदा हो जाती है एक दूसरे के लिए। मतलब मैं यकीनन मैं भी आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि फ़ैन होने का एक, देखिए मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, खुद सारी ज़िंदगी मैंने बिज़नेस किया है और पूरी दुनिया में बिज़नेस किया, 132 कंट्रीज़ में मैंने बिज़नेस किया हुए। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने काम किया हुआ है एज ए कंसल्टेंट, यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट के साथ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया हुआ है, उनकी सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद ब्रांडिंग किस तरह करनी है, उसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, ट्रेड शो कैसे करने हैं, लाइक आई हैव डन ओवर 500 ट्रेड शोज इन माई लाइफ। 500 एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा हर वक्त बैग तैयार होता था। अच्छा, मुझे वहाँ तक आप पहुँचे कैसे हैं, मतलब कोई आप बैकग्राउंड ज़हीन ज़्यादा थे, आपका बैकग्राउंड बड़ा पैसे वाला था, या आपकी कोई तालीम कोई बड़े अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से थी, किस चीज़ को ज़्यादा आप रेट करेंगे कि मेरे अंदर ये चीज़ थी तो इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच। मेरे अंदर एक चीज़ थी सर, कॉन्फिडेंस। सही, मैं टाट पर बैठ के कम्युनिटी स्कूल के अखबार में पढ़ा हूँ, वालिद साहब मेरे, मतलब वी बिलोंग टू मिडिल। अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बीकर हाउस में। नहीं सर, नहीं, मैं तो चकवाल कमेटी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल से। भी ऐसी हो? हाँ बिल्कुल ऐसी है, कुछ ही है। तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल से मैंने बीए किया, फिर एफसी से मैंने मास्टर्स की, फिर मैं यहाँ से गया इंग्लैंड, वहाँ से मेरे एडमिशन हुए थे दो यूनिवर्सिटीज में, एक लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में हुआ था और एक हुआ था बकिंगम यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने लॉ के लिए एडमिशन लिया था। लेकिन फॉर सम हाउ मेरे पास पैसे नहीं थे उनकी ट्यूशन फीस पूरी करने के, और मुझे कोई ऐसी जॉब नज़र नहीं आ रही थी जहाँ पर मैं पैसे प्रोड्यूस कर सकूँ। तो फिर मैं चला गया अमेरिका, वहाँ जाके मैंने टैक्सी भी चलाई, मैंने कपड़ों के स्टॉल भी लगाए, मतलब कोई काम ऐसा नहीं जो मैंने नहीं किया, मैंने अपनी पढ़ाई करके और उसके बाद डायरेक्ट में चला गया बिजनेस में। मैंने कोई नौकरी ज़िंदगी में आज तक नहीं, मैं नौकरी कर ही नहीं सका, मेरा वो पैशन ही नहीं। या आपने ये कैसे डिसाइड किया कि पाकिस्तान में नहीं रहना, यूके जाना है और यूके से यूएसए जाना है, ये डिसीजन लेने में आप कैसे कामयाब हुए? वो इस तरह हुआ कि एक्सीडेंट की चीज़ें कह लें आप, कि इंग्लैंड जाना प्लान कोई नहीं था, मैं सीएसएस करना था। मैंने पहले मैंने पायलट की जीडी पायलट के लिए अप्लाई किया दो दफ़ा, वो सीएमबी में जा कर मैं रह गया वहाँ पर, एग्स भी क्लियर हो गया, तो उन्होंने मुझे ग्राउंड के लिए ऑफर की, मैंने करना सॉरी मैं वरना पायलट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरा था कि मैं लॉयर बनूं या मैं सीएसएस करूं, लेकिन बिजनेस मैं कर रहा था ड्यूरिंग माई, मतलब आप कह लें कि जब मैं एफए में पढ़ता था, मैं कोई इतना लायक स्टूडेंट नहीं था, मैं एफएबी वाला स्टूडेंट हूँ, एफ एस सी बी एस सी वाला नहीं हूँ। तो उस वक्त हमारा, मैंने अभी एक स्टोरी लिखी को चंद दिन पहले अपने पेज के ऊपर, अपने वालद साहब, हमारा वो क्लिनिक उनका जल गया था, तो मैं 14-15 साल का था, तो मैंने उनको वैन एक लेकर दी और उनको मैंने गांव-गांव भेजना शुरू कर दिया कि वहाँ पे क्लिनिक अब जल गया तो अब आप गांव-गांव जाना शुरू कर दें। वो सूरभ, मैंने अभी स्टोरी को हफ्ता पहले लिखी हो, तो उनको मैंने मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास पे ले आया। वो जब उन्होंने साल एक किया वो काम, साल के बाद मेरे ख्याल में चकवाल का सबसे खूबसूरत क्लिनिक था उनका, पूरा जनाब अली जर्मन जो थे वो यूनिट से वो इक्विप था, फिर हमारी कोठियाँ भी बनी और उसके बाद गाड़ियाँ भी आ गई। और ये क्रिएटिविटी जो आप बता रहे हैं, ये बाय बर्थ होती है इंसान के अंदर या डेवलप होती है? वदियत होती है, मेरा तो ये मेरा जो इनहेरिट होती है, जो माशरा ये जिस माहौल में मैं था, फिर वालदैन की सख्तियाँ होती हैं आपके ऊपर, मेरे वाले से बड़ी सख्त आदमी थी, बड़ी मार मतलब बड़ी कुट खा दी उनको, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर होती है, आप कुछ बच्चे होते हैं बागी होते हैं। आपकी बातों से मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, मुझे बार बार आपको स्टॉप भी करना पड़ता है, मार नहीं प्यार पे बिलीव करते हैं या जो हमारे ज़माने में या आपके ज़माने में जो मारें होती थी उस पर आप बिलीव करते हैं? आप पता नहीं, वो मतलब डिपेंड करता है उनकी तबीयत के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन उनकी जो मार होती थी बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है? वो जो मार वैसे बच्चों को मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, मैं जो उसका गलत थे, मैं बागी हो गया था, मेरे ख्याल में शायद उस मार की वजह से मैं बागी हुआ था, ठीक है। तो वो मारना जो था वो एक तशद्दुद करना, वो नहीं, वो गलत है, उसने मुझे बागी किया था, लेकिन मैं अपने वो बागियाना पन को मुस्बत साइड पे ले गया, इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई उसको मुजरम बनता, मैं उसको पॉजिटिव साइड पे ले गया था। मैं सर अपने बीए पढ़ता था तो मैं सीमेंट का काम करता था। मैं अमूमन एक बात कहता हूँ कि डिजास्टर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, मतलब डाल दी गई, कॉलेज में गए हम, अब मेरा जो फैमिली का स्टेटस था, मैं किसी सिगरेट मांग नहीं सकता था, पीता था मैं गोली के सिगरेट, घर वाले मुझे 5 रुपए देते थे उस वक्त, तो 5 रुपए का एक सिगरेट आता था। अब मेरे पास सिगरेट पूरे नहीं होते थे, तो अब मैंने कहा मैंने सिगरेट कैसे पूरे करने, अब मैं जहाँ तो वाले साहब की जेब से पैसे निकालूँ या अम्मी के पैसे चोरी करूँ, मैंने कहा नहीं खुद कमाए पैसे। मैंने 5 बोरी सीमेंट बेच के 10 रुपये मुनाफा लिया, सीमेंट ब्लैक की थे तो 10-50 रुपये मैंने बनाए, फिर मैंने ये काम किया। मैंने
जब बीए में मैं पढ़ता था तो 1,20,000 रुपए की नई टोयोटा करोला आती थी और मैं कराची से अपनी नई गाड़ी ले गया था अपनी कमाई से। अपनी कमाई से मैं ठेकेदारों को बजरी सप्लाई करता था, जो रोड बनाते थे, मैं सीमेंट सप्लाई करता था और ट्रक बाई ट्रक में देता था सीमेंट। किस चीज़ का ज्यादा रोल था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का या कोई टेक्निकल स्किल्स का या कॉन्फिडेंस? क्या कम्युनिकेशन हो गई ना? कॉन्फिडेंस ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं मतलब मुझे कोई डर नहीं लगता था कि मैं भी प्रेसिडेंट जब ट्रंप था तो उसके इनॉग्रेशन पे गया था तो मैं उससे बिल्कुल नॉर्मल मुझे इस तरह मिला मैं उसके इस तरह मिला हुआ जिस तरह आम को बंदा है। फिर मैंने इन्वाइट किया वो मेरे रेस्टोरेंट पे खाना खाओ और आल काम देर वहाँ गया प्लीज़। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस वहाँ मेरे अमरीका जा मेरे अंदर और आ गया। फिर मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी कि वो जूश मुझे मिला वहाँ पे अपना ट्रेड शो पे, उसने मेरी पूरी जिंदगी के बंद एक दिन की वो अच्छा हाँ आपकी जिंदगी का टर्निंग जिसका बता रहे थे उसको आप जरा तफसील से बताएंगे। टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट वही था सर, मैं ट्रेड शो कर रहा था, मैं अपने बूथ के अंदर बैठे हुआ था तो एक बंदा आया सामने खड़ा होकर देखने लगा प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स मेरी बड़ी थी मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स, वो बिल्कुल नई इन्वेंशन थी और मतलब मेरा वो आगाज था बिजनेस का कि मैं नई चीज़ों को ले नए आइडियाज को ले के जब कोई प्रोडक्ट बनती है तो उस प्रोडक्ट को सेल्स उसकी करूं या मार्केटिंग करूं। तो मैं वो अपने ट्रेड को टोरंटो में हो रहा था, मैं बैठे हुआ था अंदर। अब ये था कि मेरे अंदर वो ना एक कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि मैं अब बिजनेस टू बिजनेस जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकूं। कंज्यूमर को करते थे? कंज्यूमर को पहले मैं करता रहा, मैं कपड़े बेचता रहा हूँ, मैक्सिकन औरतों को बच्चों की चीज़ें बेचता रहा हूँ, कंज्यूमर से आप डील कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं मैं ये कप है हमारा तो मैं कब के ये कौन से जो है ना ये बना है, किस मटेरियल से बना है, इसके ऊपर ये जो है ये ग्लेज जो है ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, ये प्रिंटिंग के अंदर कौन सा मटेरियल, मतलब फूड इसके अंदर जा रही है तो फूड के अंदर ही को मतलब कोई हैजर्ड तो नहीं है, केमिकल वगैरह तो नहीं इसके। अब उसका मेरे पास जवाब नहीं था, मैं ये बता सकता ये बने कैसे हैं लेकिन मुझे ये उसके डिटेल नहीं पता थी। अब मैं डर रहा था, वो बंदा आया उसने मुझे उठाया वहाँ से, उसने कहा मुझे अंदर क्या कर। मैंने पहले तो उसने पूछा ना कि तुम काम करते हो इस कंपनी के लिए, क्यों काम करने वाले बैठे बैठे होते हैं बिके बिके ना बिके। तो मैंने कहा मैं नो आई ऑन दिस कंपनी। उसने बड़ा बुरा लफ्ज़ मुझे आगे से कहा कि तुम अंदर क्यों बैठे हो। तो मैं बड़ा परेशान हुआ एक दफ़ा, मैंने कहा ये बंदा हुआ तो उन्होंने मैंने तू मतलब उसने आई डोंट नो व्हाई आई एम सिटिंग इनसाइड कहते उन्होंने प्रोडक्ट उठाई वो बाहर हालवे पीछे कल चला गया कहते कम आओ पिकअप योर प्रोडक्ट्स शो इट टू द पीपल। उसने लोगों को दिखानी शुरू की, उनको ले कर अंदर आना शुरू किया। वो ऑर्डर वो उस वक्त तो खैर आई पैड नहीं होते थे तो वो क्लिप बोर्ड होते थे, उस पर उसने ऑर्डर लिखनी शुरू कर दी। प्रोडक्ट के नंबर वगैरह थे, प्रोडक्ट नेम था, प्रिंटेड था वो, लेकिन हमने पहले दिन $2,50,000 की सेल की थी एक दिन में। एक दिन में अच्छा बता रहे थे दैट वाज माय फर्स्ट डे ही वाज ज्यू इन टोरंटो। नहीं नहीं ज्यू था वो बंदा, वो ज्यूश था। ज्यूश था उसका मैं सारी जिंदगी उस बंदे को भूल ही नहीं सकता। बल्कि जेफ एल्बर्ट उसका नाम था, छोटा सा कद था, 4.5 फुट होगा उसका कद। अच्छा हम अब ये किया कि वो अंबार जा रहे हैं वहाँ से बंदों को अंदर लेके आ रहे हैं, उनके ऑर्डर लिख रहे हैं। कुछ 2:30 बजे करीब उसने मुझे कहा आर यू हंगरी, मैं कह यस आई एम हंगरी, कहता ओके आर यू मुस्लिम, मैं कह यस। अब वो गोरा था मतलब बिल्कुल गोरा नजर आ, कहता ओके। वो थोड़ी देर बाद सैंडविच ले आया मेरे लिए, टूना फिश का सैंडविच लेके आ गया, अपने लिए कोई और चीज़ ले आया। अच्छा हमने सैंडविच खाए, साथ साथ ऑर्डर लिख रहे हैं, मैं अगर खा रहा हूँ तो वो लिख रहा है, वो खा रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। शाम 5 बजे बंद हुआ तो कहने लगा यू वॉन्ट टू गो फॉर डिनर। अब मुझे मैं दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन टोरंटो, मतलब मैंने बाहर मैंने ये बोर्ड स्टेप ले लिया था कि मैं अमेरिका से निकल के टोरंटो पहुँच गया था, लेकिन अब चीज़ बेचनी कैसे इसका मुझे बखुदा मैं आई डेंट हैव अ कॉन्फिडेंस। वो जनाब अली जब कहने लगा ओके लेट्स गो, बाद जब मैं निकला तो उसकी पोस्ट गाड़ी थी तो कहते आम जेफ एल्बर्ट। मैंने कहा मसूद काजी। वहाँ पे पूरा दिन हम इकट्ठे रहे, वी डिडंट आस्क इवन ईच अदर ने। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया। अब जब मैंने कार्ड देखा तो सब में उसका क्या कैच था, क्या उसका क्या उसको प्रोडक्ट अप्लाई कर गई थी, मतलब प्रोडक्ट वाज यूनिक। अच्छा अच्छा मैं अब मतलब उसको कोई पर्सनल बेनिफिट, मैं आपको बताता हूँ सर। जब उसने मुझे कार्ड दिया ना तो वो कार्ड वो कनाडा की सबसे बड़ी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी थी एंड ही वाज अ सीईओ फॉर दैट कंपनी। अब मैंने वो देख मुझे पता था कि वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है और मेरा दिल था कि मैं उस कंपनी के पास जाऊँ और उनको कहूँ कि भैया मेरी प्रोडक्ट है, मैं तो कमीशन पर वो काम करती हूँ। कार्ड मैंने देखा मैं जाना हूँ, वाह व्हाट अ लक कि सीईओ खड़ा होकर मेरे साथ समाज हम गए डिनर किया हमने, कहता टुमारो आई विल इन्वाइट फ्यू बायर्स
कैनेडियन टायर के मैं बारे जो है वो इन्वाइट करूँगा, वॉलमार्ट कैनेडा का जो है उसके बारे इन्वाइट करूँगा, होम डिपो का बाहर इन्वाइट करूँगा, एक और कंपनी थी द हाउस मतलब यानी द होम डिपो काइंड ऑफ वो थी कैनेडियन कंपनी, उस तरह से स्टोर थे उनके, उसने सबको इन्वाइट किया। अगले दिन वो सुबह सवेरे 9 बजे आ गया था वहाँ, मैं 9:15 आया, वो 9 बजे आकर उसने पूरा खोल दिया वहाँ बूथ पर, मतलब लाइटें ऑन करके स्टार्टेड वो लोग। मैं ये देखे ना कमिटमेंट, ठीक है मैं 15 मिनट लेट हो गया, आई हैड एक्सक्यूज, ओ आई एम सॉरी दैट आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक दिस एंड दैट, लेकिन ही डिडंट गेट स्टक इन द ट्रैफिक, ही नोस व्हाट्स द टाइम वैल्यू ऑफ द टाइम। मैंने वहाँ से सीख की थी कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, आपका एक एक मिनट यू डोंट नो, यू नेवर नो कि उसकी कितनी प्राइस, आप उसको कैश कितना कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अगले दिन बाहर आ गए ना, वो ट्रेड शो पता है हमने कितने के $1.5 million का 3 दिनों में बिजनेस किया, $1.5 million नो बॉडी कैन इवन एक्सपेक्ट इट, हमारे पास उसकी सप्लाई नहीं थी जितना उसने ऑर्डर ले लिए थे। फिर उसने कहा कि ये मैनुफैक्चरिंग कहाँ पे, मैंने कहा चाइना में, कहते गो आई गेट यू टिकट, उसने से वो टिकट बुक कराया, मैं टोरंटो से मैंने चाइना गया, वहाँ पे जाके वो इमरजेंसी प्रोडक्शन करवाई, उसकी शिपमेंट करवाई, वहाँ पे मैं 10 दिन रहा वहाँ पे, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस। मतलब उस 1.5 दिन, अच्छा फिर रात को वो बाहर आ गए, उनके साथ मीटिंग हुई, और यकीन करें कि हमने पहले साल में 12 या 15 मिलियन डॉलर की सेल की थी अपने उस कैनेडा के ऑफिस से। फिर मैंने ऑफिस, अच्छा उसने मुझे ये बात जो मैं अर्ज की ना आपको, उसने मुझे बताया था कि अगर तुमने कनाडा में बिजनेस करना है तो तुम अपना ऑफिस और वेयर हाउस यहाँ कनाडा में बनाओ। पहले मुझे उसने अपना वेयर हाउस दे दिया, मैं उसको 10% कमीशन देता था। हाँ यही सवाल मैं आपसे पूछने ही लगा था कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा क्या पाकिस्तान से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिस तरह हम फ्रीलांसिंग करते हैं? नहीं वो लोकली कर रहा था, मतलब वो कंपनी वो जाता था डिफरेंट ट्रेड पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तानी एक उस फ्रीलांसर के लिए, पाकिस्तानी नहीं था मैं उस वक्त, नहीं मैं एक पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर के लिए जो यहाँ बैठा काम कर रहा है उसके लिए आपके सिनेरियो को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे बैठ के सर्विसेज देता रहे यूएसए, या आप इस तरह कह रहे हैं कि फिजिकल प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है? मैंने आपसे अर्ज की ना, अब वो बंदा मतलब ही वाज एट दैट टाइम ही वाज अबाउट लाइक 55-60 years old, Jewish था, सारी उम्र उसकी बिजनेस में, वो 14 साल की उम्र से काम शुरू किया हुआ था। उसने मुझे कहा था कि अगर तुमने कनाडा में बिजनेस करना है तो यू मस्ट हैव टू हैव योर ऑफिस इन कनाडा एंड योर वेयर हाउस इन कनाडा। मैंने उससे रीज़न पूछी, कहते हैं यहाँ पे एक बायर आता है वो तुम्हारे शोरूम में आना चाहते हैं, तुम्हारी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं फिजिकली, तो वो अमरीका तो नहीं जाएगा, कैनेडा टोरंटो आ सकता है, अमरीका नहीं जा सकता। अब अमेरिका मेरा ऑफिस था वहाँ पे, उन्हें करना यू मस्ट हैव टू गेट। फिर उसने मुझे अपना वेयर हाउस दे दिया, अपना उसका जो शोरूम था उसका मुझे पोर्शन उसने दे दिया, वहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर दी इन द बिगिनिंग अंटिल आई गेट एस्टैब्लिश्ड, फिर मैंने अपना वेयर हाउस ले लिया, फिर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कुछ वहाँ पे करवानी शुरू कर दी। अब आते हैं अपने फील्ड के अंदर, पाकिस्तान से सर देखें जो सबसे बड़े इशू हैं कि यहाँ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं ना वो बिलोंग टू, उसके लिए हम किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट के मोहताज हैं। मोहताज आपकी आईटी जो है ना वो इस मोहताजी के मतलब उस कैटेगरी में नहीं आती। मैं इससे पहले पोस्टों में भी लिखा था, अब आपके तवसुत से तमाम दोस्तों से जो भी आईटी से रिलेटेड है, और उसके लिए मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, बिला मुआवजा मैं सर्विस दे रहा हूँ कि फॉर गॉड सेक आज इंडिया की अगर 200 बिलियन डॉलर की अगर आईटी की प्रोडक्ट जो उनकी एक्सपोर्ट है ना, उस 200 कंपनी जो वो कर रही है उन सब के ऑफिसेज यूएसए के अंदर है। चाइना जो आईटी की वहाँ पे दे रहा है सर्विसेज, या रशिया जो दे रहा है, या लिथुआनिया जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन सब के ऑफिसेज यूएसए के अंदर है। और पाकिस्तानी बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, वो यहाँ पे बैठ के मजदूरी करने के बड़े खुश हैं, बच्चानू जी तो $500 आ गया, $5,000 आ गया, $500,000 ही बना आ गया, ठीक है आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आपने उनसे 5 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख ले लिए, 50 लाख ले लिए, वही आपको बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे $10 million का बेच रही, सर्विसेज उसके बाद वो आपसे लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस आपको 1-2 लाख रुपए महीने दे दिया, वहाँ पे सर्विसेज वो चार्ज कर रहे हैं उनसे $1 लाख महीने। इसलिए गॉड से जो बंदे भी आईटी से रिलेटेड हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, अमेरिका का वीज़ा लें विजिट, वहाँ पे आए, आजकल अमेरिका ने एक वीज़ा शुरू किया, एक L1 वीज़ा, अगर यहाँ पे आपकी कंपनी वो उसकी ब्रांच ऑफिस आप अमेरिका में खोल सकते हैं, उसमें एक तो CEO हो गया। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उस कंपनी की? कंपनी को अच्छी मतलब एक
परफॉर्म कर रही है आपके पास, आप बस मतलब उसकी है बैंक बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस शीट है, ये बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है, तो रजिस्टर्ड कंपनी है, आप टैक्स फाइलर हैं उसके, तो आप अपना ऑफिस, ब्रांच ऑफिस यूएसए के अंदर खोल सकते हैं। और कुछ बच्चों ने किए हैं, और वो आप यकीन नहीं कर सकते कि आपके, चाहे यहाँ पे 5,000 बंदा बैठे हुए हैं ना आपकी कंपनी में, वो उन्होंने यहाँ पे 5 बंदे रख के तो आपसे 1,000 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आईटी का इस वक्त जितनी डिमांड है वहाँ पे, मतलब अब तो हर चीज़ जो है वो आईटी पे चली। मैंने आपको अपने रेस्टोरेंट की मिसाल दी है कि मेरे मतलब एक तो फिजिकल रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर 16 वर्चुअल रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बिजनेस मॉडल शेयर किया इस पॉडकास्ट से पहले। इनका एक रेस्टोरेंट है क्ले हांडी रेस्टोरेंट, वैसे वो अमेरिका का वाहिद और इकलौता रेस्टोरेंट है जो कि मट्टी के बर्तन में खाना सर्व करता है। बिल्कुल, एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। अच्छा, अब उसको इन्होंने क्या किया, एक तो वो जिस तरह हमारे यहाँ फूड पैंडा है वहाँ पे भी उबर ईट और इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं, इन्होंने एक उसको वहाँ पे लिस्ट किया, और उसके साथ साथ 15 से ज़्यादा वर्चुअल रेस्टोरेंट्स, 16 वर्चुअल रेस्टोरेंट्स उन्होंने लिस्ट किए जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकली नहीं। तो इस बिजनेस मॉडल को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। वो इस तरह है कि मैं जब ये ड्यूरिंग द पेंडेमिक वहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो हमारी सिर्फ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे थे। अब ये है कि वहाँ पे मेरा सिर्फ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बाकी इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने ज़िंदगी में एक काम किया है कि मैंने जो कुछ बेचा है ना अपनी ज़िंदगी में, मेरी मोनोपोली होती थी, मेरा प्रोडक्ट मैं उसका पेटेंट लेता था, उसका ट्रेडमार्क मेरे पास होता था, मैं किसी को अपनी कापी नहीं करने देता। मुझे पता चलता है ऑस्ट्रेलिया में किसी कंपनी मेरी प्रोडक्ट कापी की, मैं बखुदा उनके वेयर हाउस में चला जाता, उनका सारा सामान उठा लेता था वेयर हाउस। बड़ा बहादुर बिजनेस मैन था। यहाँ पे भी ये हुआ, मैंने देखा मैं इंडियन, अच्छा मुझे दो इंडियन कंपनी ने अप्रोच किया कि ये हमारे रेस्टोरेंट है, उन्होंने, मैंने आइडिया बेसिकली उनसे लिया था कि उन्होंने दो अपनी आईपैड वो हमारे रेस्टोरेंट में रखे, तो वो गोश्त किचन के नाम से उन्होंने उन्होंने अपने 5-7 ब्रांड बनाए रेस्टोरेंट्स के, और उनके हम सप्लायर बन गए। मैं इसमें मैं आईटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बिजनेस आइडिया उठा लिया। मैं वाह, मैंने यहाँ पाकिस्तान में मेरी एक टीम बैठी थी, मैंने कहा बच्चों ये नाम है बिरयानी के 5 रेस्टोरेंट, करी के 5 रेस्टोरेंट, उसके बाद आपके कबाब रोल बना दिए, उसके बाद वहाँ पे पॉपुलर होता फास्ट फूड, हमने बर्गर की लाइन बना दी, सब्ज़ की लाइन बना दी, वो सारे मैंने फिर वहाँ पे वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बना दी, रेस्टोरेंट ही अलग बना दी, वीगन, हमने 16-17 रेस्टोरेंट खड़े कर उनके डिफरेंट नाम दे दिए, बम्बे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, कराची बिरयानी। अब बिरयानी के वहाँ पे 7-8 रेस्टोरेंट सिर्फ बिरयानी, बिरयानी के अंदर बाकी भी चीज़ अच्छा, हमने उनके मेन्यू बनाए, सारा कुछ तैयार करके मैंने लॉन्च कर। अब जब लॉन्च किया, अब आपने बिरयानी खानी है, आपने जाके बिरयानी वहाँ पे डाली, वहाँ पे 10 रेस्टोरेंट खुल गया आपके साथ। आपने कोई एक रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया, आपको जाना क्ले हांडी से, ये जो मर्जी आप कर लें, जो कुछ आपने, अगर इंडियन पाकिस्तानी या आपने फास्ट फूड खानी, मैंने पूरे शहर का बिजनेस कैप्चर कर लिया था, और सिल मतबा भी हम उसको बहुत सक्सेसफुल मॉडल है हमारा। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको चूँकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, तो सबसे बड़ा मसला जो इकॉनमी को बेहतर बनाने में आप समझते हैं कि हर्डल है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पीछे जा रहा है, वो क्या है? पाकिस्तान के सर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अब मैंने बताया आपसे अर्ज की है कि वो कल परसों में गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर में, अब उन्होंने दुनिया का बेहतरीन लहसुन प्रोड्यूस किया G1 के नाम से, वो प्रोफेसर जिनने किया है वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उनकी डेथ हो गई है, वो ये बात यंग लेकिन वो कोविड की में डेथ हो गई, वो प्रोड्यूस हो गए, लोगों ने लगा लिया। अब वो जिम्मेदार जिन्होंने लगाए वो कह रहे हैं कि हमारा थोम जाना कि वजन ज्यादा है। अब आप वहाँ पे 2-3 लाख रुपए की मशीन शायद जोया से बनवा लें, आप जाकर गुजरांवाला से बनवा लें, पीलर बनवा लें, उसको पील करके उसकी पैकेजिंग करें, उसकी ब्रांड अपना बनाएं, और उसको जाके यहाँ सुपर मार्केटों में बेच दें। अमेरिका में ये आया था $12 का वो डब्बा आता था 5 पाउंड का, इस वक्त हमें $60 का मिल रहा है। दुनिया भर में कमोडिटीज़ की शॉर्टेज है, शदीद शॉर्टेज है, कोई भी कमोडिटी आप ले लें उसकी सख्त शॉर्टेज है। मतलब जो चीज़ हमें देखे ना, हम तो वैसे खान साहब के हमायती हैं, तो मतलब कहते हैं जी ये यहाँ पे महंगाई बहुत है, महंगाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है सीरियसली। अमेरिका में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 4 गुना कीमतें बढ़ी हैं प्राइसेस आफ्टर कोविड। हाँ जी, आफ्टर कोविड, अभी रिसेंटली ये जंग के बाद, प्लस आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, वैसे रिसेशन और इन्फ्लेशन
उस पर वो आग डाली है, उन्होंने तेल डाला है रशिया और यूक्रेन ने। अब इस वक्त कमोडिटीज की शॉर्टेज है, हमारा जरी मुल्क है। अगर आज मैं उसकी मिसाल देता हूँ, मतलब लोग इसको मजहबी रंग ना दें, मेहरबानी करें, इसराइल का अगर आप मॉडल देखें तो इसराइल इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा आपकी कमोडिटीज़ का सप्लायर है, हालांकि सहरा है, सहरा है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब माशाल्लाह दुनिया का रकबे के लिहाज से, अच्छा इसको हम थोड़ा मजीद प्रोडक्टिव बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मैं एक बेसिकली मैं लैंडलॉर्ड हूं, अच्छा। मैंने लेसन लगा लिया, आपने लेसन लगा ली, ठीक है, लेसन लगा के व्हाट्स नेक्स्ट, आपने उसका पिलर एक लगा ले, ठीक है, मैंने एक मशीन 4-5 लाख रुपए का पिलर लगा ले, ठीक है, जो उसको थोड़ा ग्राइंड करेगा, जो उसको पील करेगा, उसका छिलका उतार, छील दिया उसको, छिलका उतार के उसने आपकी वो तुरी निकाल दी, पंजाबी तुरी से कह रहे हैं, हम गिरी कहते हैं, गिरी कहते हैं, थोम दी इसी चकवाल दे बंदे तुरी कहने, चको ने तुरी काट दी, ठीक है, या गिरी काट दी, ठीक है, गिरी काट के तुसी उना डब्बा पैकिंग बना लो, 5 पाउंड दी, 2 पाउंड दी, पाउंड दी पील, ठीक है, वो प्रिजर्व कैसे होगा फिर, प्रिजर्व होने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही चाहे वो सूख जाए, नहीं सूखता नहीं है, वो जाएगा आपके कूलर के अंदर, अच्छा, उसकी 30 डेज या 40 डेज उसकी लिमिट होती है, वो नहीं सूखता। कूलर से मुराद है कि ये जो पे वो डालते हैं, वो एक नहीं होती, वो छोटी सी पुड़ी सी होती है, वो चाइना की प्रोडक्ट्स में वो आप देखते हैं, उसके अंदर वो पता नहीं क्या होता है, कोई केमिकल होता है, वो पुड़ी डालते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे कोई भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो आपको बता सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो खराब नहीं होने देते, वो खराब नहीं होती, जब उसके अंदर डाल देते हैं, सही है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे किसी सुपर मुल्तान में बनाया, आपने मुल्तान की सुपर मार्केट या जितने भी आपके वो हाइपर मार्केट जिन्हें आपके कहते हैं वहाँ पे ले जाने के लिए, वो आपका इंपोर्ट हो रहा है, वो पील्ड लेस इंपोर्ट रुक गई, इंपोर्ट आपकी रुक गई, आपने यहाँ से अब ये हो गया ना, अब आप उसका ड्राई करके पाउडर बनाए, मुझे एक और मशीन चाहिए, गार्लिक पाउडर, उसको ड्राई पहले डिहाइड्रेट करना है ना, ठीक, उसके बाद आपने ग्राइंडर लगाना है, वो आपको पाउडर बना देगा, ठीक है, फिर लाख लाख 2-2 लाख रुपए दी, कोई एडी वडी को नहीं इन्वेस्टमेंट आए, सारे को 1000 एकड़ जमीन है या 500 इवन 100 एकड़ भी जमीन है, तुम तो वो जी वन तुम लो जो पिशावर ने शुरू किया, तो वो प्रोडक्शन पर एक आम थोड़ी लैसन दी उस 10 गुना ज़्यादा होती, वो एडा वाडा फुल है, यहाँ भी हो रहा है वैसे, ठीक है, वो आपने डब्बे में डाल दिए ना, तो 5 पाउंड का अगर डब्बा, अगर 5 पाउंड कह लें आपका 2 किलो बन गया, या आपका 1.25 किलो बन गया, कितने का किलो है थोमा कल, 400 रुपये किलो जी, आप ग्रेंडेड वो 1000 रुपये का बेच सकते हो लोकली, लोकल, उसके और बाद जब सीजन गुजरेगा वो डेफिनेटली महंगा हो जाएगा, एक बच्चा फाड़ लो ई कॉमर्स, उन्होंने कहा बच्चा है मजान तो बन के बह के बेच, उन्होंने को प्रोडक्ट को नहीं ना, असल प्रॉब्लम ई कॉमर्स पाकिस्तान के, उन्होंने को प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट दे दो, उन्हें आज जाके अमेज़न ने होलसेल से पूरा कंटेनर बेच छड़ना थोड़ा, समझे मैंने कहा, इसमें इन तरीके ना सिमेटलाइज कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मैंने पाकिस्तान से यूएसए में एक्सपोर्ट करना है, तो उसका क्या कोई स्टेप, कुछ भी नहीं, कंपनी रजिस्टर, कंपनी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, USFDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवा के उसके पीछे जो लेबल लगते हैं, लोग डरते हैं कि इतना लेंथी प्रोसेस है, यार कहते मैं बह ना मैं को करा लो, ठीक है, मतलब चला रहे ते ए हर बंदा कर सकता, अगर करना चाहे हर बंदा काजी मसूद बन सकता, हर बंदा पूरी दुनिया में बन के बिजनेस कर सकता, चकवाले ये जो शहर निकल ग्रां ही है ना, मतलब वो कस्ब कस्ब ही हो, तो बात ये करने वाला बंदा अगर हो ना, लेकिन उनको गाइडलाइन चाहिए, मैंने जैसे हम गाइडलाइन दे दें, उसके बाद ये बच्चे नौजवान बच्चे सारे जो है ना इनको, अच्छा FDA से अप्रूव करवा लिया, FDA से अप्रूव आपने करवा दिया, उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया आपकी कंपनी को, सर आप अमेज़न पे बेचने जाकर, अच्छा यहाँ से चले वापस आते हैं ना, यहाँ से मैंने वो सामान वेयर हाउस में रखवा दिया, USA में जाके किसी वेयर हाउस पर रखवाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑर्डर वहाँ पे डायरेक्ट, मतलब होल सेल में आप जाते हैं तो वो डायरेक्ट आप ऑर्डर उनको जाके उनको डायरेक्ट, जब ऑर्डर है मैं तभी शिप करूँ, सभी शिप करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, काजी साहब कह रहे हैं कि हम अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें वैल्यू ऐड करके उसको यहाँ से डायरेक्टली अमेज़ॉन पे या B2B, अब जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की जो पाबंदियाँ थी ना वो पाकिस्तान में नहीं है, अब आपने सिर्फ वो जो करना है जो कंपनी शिपिंग कंपनी उन्होंने कहना है जी कि ये हमारा कोल्ड स्टफ है और इसको हमने कूलर
कंटेनर में भेजना है। ठीक है, अल्लाह का खैर चल। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सही काम कर रही है इस जिम्मे में? गवर्नमेंट की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने कंपनी के लिए गवर्नमेंट 132 मुल्कों में मैंने काम किया। मैं आज तक किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में मैं कंपनी रजिस्टर कराने जाता था, उसके अलावा वो मैं खुद नहीं जाता था। मैं वहाँ पे अकाउंटेंट हायर करता था, वो जाके करा देता था। खुदा दा वास्ता नहीं, गवर्नमेंट में निकलो तुसी। नहीं, हमें लगता है ना कि कराची जाएगी, वहाँ स्टक हो जाएगा हमारा। कोई भी नहीं स्टक होगा, आपका सामान यहाँ पे अमेजान का। आप दुनिया के इस वक्त 6 बड़े सेलर्स हैं, पाकिस्तान से सारा माल जा रहा है, तो कहाँ पे स्टक होता है? जी, कोई स्टक नहीं होता। तो जस्ट हिम्मत कर, ये गवर्नमेंट का आमने ना एक वैसे हवा सा बनाया हुआ है। गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है आपके बिजनेस से। आप उनके लिए एक्सपोर्ट पैसे लेके आ रहे हैं। असल प्रॉब्लम पता है क्या, कि हम आज तक एक बिजनेसमैन का एक प्रेशर ग्रुप जो है ना, वो बिल्ड नहीं कर सके पाकिस्तान। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। प्रेसिडेंट रेगन जा रहा था जापान। अब प्रेसिडेंट का जो दौरा होता है US प्रेसिडेंट का, वो 2 साल पहले अरेंज होता है, मतलब उसका प्लान बनता है। लाओ जी अपना रेगन साहब बैठ के जहाज, उनको जहाज में जाके उनके किसी की सेक्रेटरी ने उन्हें बताया जी कि जो क्राइसलर कंपनी है ना, US की गाड़ियों की कंपनी, वो बैंक्रप्सी फाइल करने जा रही है। वो कहते हैं ओके, वी आर गोइंग टू डिट्रॉइट, वी आर नॉट गोइंग टू टोक्यो। अब सारे परेशान, वो जो अम्बेसडर, जो US अम्बेसडर जापान में, वो परेशान है। जो जापनी अम्बेसडर US के अंदर, वो परेशान है। वो प्लान तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिट्रॉइट। वो जहाज वहाँ से डिट्रॉइट जाके लैंड करके वो सीधे जनाब प्रेजिडेंट साहब पहुँच गए उस क्राइसलर कंपनी में। वहाँ पर जाकर उन्होंने बुला लिया प्रेजिडेंट, जो उसका चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी बट क्या बात है? उन्होंने कहा ये बात है, हमारे पास फंड नहीं। सारी सिचुएशन सुन के घंटा एक लगाया उसने वहाँ पर। उसने जनाब अली कांग्रेस को, जो स्पीकर था, उसको कॉल की। पहले कुछ प्रोसीजर है, जब गवर्नमेंट एड देती है, उन्हें कहा जी कि आप इस कंपनी को बेल आउट करें, उसके लिए मुझे $5 बिलियन या $3 बिलियन अभी राइट नाउ मुझे इसकी अप्रूवल चाहिए कांग्रेस से। और मैं उस वक्त तक इस चेयरमैन की कुर्सी से नहीं उठूंगा जब तक मुझे आप अप्रूवल करके यहाँ पहले कांग्रेस से दें, उसके बाद सेनेट से दें, मुझे फैक्स करें। मैं उस पर प्रेजिडेंट के साइन होते हैं, लॉ बनते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लॉ बनेगा, इनको आप फंड्स इशू करेंगे, देन आई विल, मतलब मैं कुछ ही छोड़ूंगा। पाकिस्तान में होता तो नैब के चक्कर लगाता रहता बेचारा सारी जिंदगी। अब वजह क्या थी, क्राइसलर के थे 1 लाख के करीब एम्प्लॉय थे। एक कार कंपनी के साथ 5,000 कंपनियां रिलेटेड होती हैं जो कि उसके पार्ट्स बनाती हैं, जो सारे रोजगार दे। अगर आप सारे रोजगार को तकें तो $500,000 बंदा उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है जी, 5,000 फैक्ट्रीज को बोल्ट बना रही है, को आपके कोई चीज बना रही है, छोटी छोटी चीजें कंपोनेंट्स होते हैं वो बना रही है हर फैक्ट्री, एक चीज बनाती है वहाँ। अगर वो फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं तो वो इकोनॉमी बैठ जाती है। मैं आपको अभी दूसरी मिसाल देता हूँ। वो जी सर 2 घंटे में वो हुआ सारा काम। कांग्रेस ने उसको पास किया, सेनेट ने उसको पास किया, उस प्रेजिडेंट को फैक्स आई उसकी, प्रेजिडेंट ने वहीं बैठे बैठे साइन किया। बिफोर द बैंक क्लोज्ड, क्राइसलर को फंड इशू हो गए, कंपनी के नाम अपने स्टैंड पे आ गई, प्रेसिडेंट से कहा चलो जी चलिए टोक्यो। वाह, ये सर कौम है। दूसरी बात मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अभी जो कोविड आया है, मैं खुद बिजनेस मैन, स्मॉल बिजनेस मैन हूँ। गवर्नमेंट ने हमें इतना पैसा दिया है ना, इतना पैसा दिया, खुदा की कसम उन्हें सानू रजा छोड़िया बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स अपने कमाने भी पे, फिर भी देने पे पैसे। मैं हूँ आना तो पहले अपना टैक्स साइन करके आया, वो $1,00,000 मैं हूँ ना देता, मैंने तो सारा एस्टैब्लिश बिजनेस है। टैक्स रिफंड मैं सू टैक्स क्रेडिट, मैंने को पूछे मैं टैक्स सू मिले किसी के, चेक आओ सुन। अच्छा, वो गवर्नमेंट लेने की बजाय आपको दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है सर थानू, अगर वो ना देती अमेरिका के 90% बिजनेसेस बंद हो जाते, और उसका बोझ डायरेक्टली पड़ता गवर्नमेंट पे, उसका बोझ डायरेक्टली पड़ता लोग, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती, बैंकरप्सी फाइल होती है, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा बह बन गया उत्थे। उन्हें जनाब अली उन्हें रजा दिता, खुदा की कसम में कहना असी हथों तक आए पैसे का। पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में सर मसला ये है कि यहाँ पे बिजनेसमैन को खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, सिस्टम का डिफरेंस है कि हम USA क्यों नहीं बन सकते? ये मतलब है हम असल में हम 3-4 चीजों नहीं, आप दोनों जगहों में बिजनेस का तजुर्बा रखते हैं, 3-4 चीजों में फंसे हुए, हम मजहब के अंदर फंसे हुए, सूदी निजाम है हमारा। तो क्या USA में सूदी निजाम नहीं है? है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे तो मजहब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हर बंदा का अच्छा सूद देना, मुफ्त पैसे किसी से चोरी कर गई पैसे, लेकिन सूद नहीं खाना, मतलब असली मुनाफे का
सूद नहीं खाना जी, पैसे किसी से मार गिने, यतीम किसी से प्रॉपर्टी से कब्जा कर गिना, किसी बेवा की प्रॉपर्टी से कब्जा, सूद नहीं खाना जी। सानू सब तो पहले असान बंदियां नू लोकां नू मुनाफकत तो निकलना चाहिए बाहर दुनिया नाल। अगर तुम कैपिटलिज्म नू मतलब है वो तुम अडॉप्ट कीता कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में तुम्हारा ये इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट जिला ये एग्जिस्ट करेगा। तुम्हारी सारी जितनी वड्डी यूनिवर्सिटी अपना इंडस्ट्री पाकिस्तान सारी की सारी तुम्हारी चल रही है तुम्हारे इंटरेस्ट बेस के उत्ते। बैंकों तो पैसे लेने, बैंकों ने पैसे देने, इतने बैंकिंग सिस्टम ईजी होना चाहिए, हर बंद अप्रोच होनी चाहिए, जितने मर्जी उन्होंने पैसे जाकर ले। सानू एक मतलब उस चीज़ सर्कल चो निकलना चाहिए सब तो पहले। पहली गल हो गई कि क्रैडिट कार्ड हर बंदा क्रैडिट कार्ड से सूद दे रहा, उन्होंने उससे कोई इतबार मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस करना, बिजनेस सूद नहीं दे ना दियो, खुद पैसे जनरेट करो। लेकिन ग्रो अगर कैपिटलिज्म ग्रो करना तो तुम्हें बैंकिंग वाले बिजनेस और बैंकिंग यही है कि जो बैन बरा होंगे ना मतलब इग्नोर ना कर सकते। इसमें मेन कसूर आपको क्या लगता है कि अच्छा दूसरा ये तो चलो चलो बैंकिंग नहीं छोड़ो, को आप सिस्टम डिवेलप करो आपस इमदाद भावे जिसमें अच्छी बचपन सुने पैसे खा के बाद भाग जाता है तो फिर कैसे वो करें जो कमेटियां तो सफाई हो वो भी ये भी एक सूरत है। ठीक है ठीक है। इन द एंड मैं आपको बताऊँ काजी साहब, मसला आता है ट्रस्ट, इकोसिस्टम, रूल ऑफ लॉ। जब मुझे पता है कि मैं यार इसके साथ जाके करूँगा बिजनेस तो हम दोनों नहीं भाग सकते। नहीं सर, तरीके वारदात गलत है, तरीके कार गलत। तुसी कंपनी बनाओ, ठीक है, 50% शेयर तुसी ले लो, 50% आनंदित, ठीक हो गया, कंपनी बन गई, काम तुसी पे कर दियो, ये स्लीपिंग पार्टनर है, तुसी अपनी सैलरी ले रहे हो, ये सैलरी नहीं ले रहे। एक बंदा भाग जाता है ना उसमें से, नहीं भागेगा, नहीं कंपनी बन गई ना सर, भागेगा कहाँ से? तो केस करता रहे? नहीं, केस क्यों करेगा, हर महीने आपका अकाउंटेंट जाएगा ना, आपका अकाउंटेंट आप हायर करेंगे, वो PNL रिपोर्ट बनाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हर महीने की। पैसे सारे बैंक में जा रहे हैं, आपके पास नहीं है पैसे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है ना यहाँ पे, यही बात है। आप बना लें, आप मेरे साथ कंपनी बना लें ना, मैं मतलब हम एक दूसरे को मतलब फिजिकली सेकंड टाइम हम मिले, आप बना लें ना, आप भागेंगे ना मैं भागूंगा। देखे ना, तो इसमें शुरू में बात की थी कि इन्फॉर्मेशन बात बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे आपकी लग रही है कि इन द एंड हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है बिजनेस करने की। हमारे पास देखे ना सेकंड जनरेशन में मैक्सिमम बिजनेस चलता है, थर्ड जनरेशन में जाके वो फट जाता है। ठीक है, बशीर मछली हाउस, बशीर मर गया, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं, नहीं है। बशीर मर गया, उधर तले असली बशीर मछली हाउस, बशीर मछली हाउस नंबर 1 न्यू बशीर, अगर त्रै पुत्र त्रै मछली हाउस खोल के दे उल्लू का पट्ठा जो तो कारपोरेशन बना छोड़ेगा बशीर। ठीक है, त्रै पुत्र पार्टनर बना देना उस, जो काम करे उन्होंने तनखा देता, जो इन्ना काम करे घर बैठे उन्होंने प्रॉफिट तो आता पाया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता, ठीक है, टैक्स प्रॉपर असी पे करें समझो, उस तो बाद वो एक दुकान टिकी रहा अगो फ्रेंचाइजा खुद ले सकते आए, सारा बेनीफिट बशीर मछली हाउस में जा सकता है, वो त्रै दुकान बनाने लोग बनाए। मसले हैं, ट्रेडमार्क का मसला हमारे यहाँ, कॉपीराइट का मसला। सर कॉपीराइट कोई मसला नहीं, 20,000 रुपए का आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है? नहीं मिलता, मिल जाता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। सर मैंने 3 लिए हुए हैं पाकिस्तान। कितना अर्सा लगा था आपको, कितना टाइम लगा था पाकिस्तान में? अगर मैं आपको करवा देता हूँ, मेरे पास वहाँ पे बैठा है मेरा अकाउंटेंट कंपनी है, मेरी अकाउंट कंपनी वो बना के देती है। वैसे मैंने कुछ कॉपीराइट कराना था आपने, मैं आपको करवा देता हूँ। तो कहते हैं 1.5 साल का प्रोसेस, सवाल ही पैदा नहीं होता, एक दफा फाइल हो गया ना तो उसके बाद दैट्स इट, यू आर डन। और पता है इस गल सही, तुसी पेटेंट अगर फाइल कर देता ना तो कोई बंदा उसके बाद बना सकता, यू आर सिक्योर्ड। कॉपीराइट तुसी फाइल हो गया ना थोड़ा, नोबडी कैन कॉपी दैट। असल चीज़ है सारी इन्फॉर्मेशन की है, ये अवेयरनेस असं फैलानी है, साढ़े तला पाक ने एक साढ़े मतलब ड्यूटी लाई है कि असी इस अवेयरनेस में चाहे बोल के लोगों दसीए, चाहे लिख के लोगों दसीए, चाहे उन्होंने घर वाँच के उन्होंने दसीए, ये बस ये अवेयरनेस फैलानी है, इंशाल्लाह हो। वैसे पाकिस्तान का बच्चा ग्रेजुएशन उसने कर ली, अब वो काइंड ऑफ बेरोजगार है, क्या वो यहीं पे जॉब ढूंढे, पैसे जॉब ना करे, वो आपके पास आ जाए? IT के लिए साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है, ग्रेजुएशन ने की है सीधा IT में, ठीक, IT का कोई कोर्स करे और अपने स्किल्स को बाहर बेचे।
और बाहर यहाँ से बैठ के ना बेचे, आप कह रहे हैं कि बेहतर है। मैं कहता हूँ जी कि अगर जो वहाँ जाके, अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट थे मेरे दोस्त, वहाँ पे जानते होंगे आप उस्मान उस्मानी साहब, उनका निशान उस्मानी वो मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। उनने मुझे एक बात बताई है कि आज तक जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर की आप पढ़ाई जा रही है, IIT पढ़ाया जा रहा है, वो सारा आज से 20-25 साल पुरानी लैंग्वेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऑब्सोलीट है वो। हमारे बच्चों के पास नई लैंग्वेज ही नहीं है, ऑब्सोलीट है। यहाँ पे जो नया कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ के जो आपके हैं ना, आपके सॉफ्टवेयर हाउस जो बच्चे उस पर मतलब वो उनके पास है। मैंने आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके पास है नॉलेज। हाँ। जो वहाँ पे पढ़ के अब नौकरियां कर रहे हैं उनके पास नहीं। IIT के बंदे को नौकरी करनी नहीं चाहिए, छोटी सी कंपनी पाकिस्तान में रहना चाहिए या अब्रॉड चले जाना चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप जितने यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उससे जाना, उनको मूव करें बाहर, मतलब उनकी एक काइंड ऑफ ब्रांच जो है, उनकी ब्रांच जो है यहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे मैंने अरेस्ट किया, मेरे पास आए, मैं उनको कंपनी रजिस्टर करवा, कंपनी रजिस्टर करवाने के सर कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद आपका ऑफिस फिजिकली वहाँ पे नहीं मौजूद, आप खुद उनकी मीटिंग में नहीं जा सकते, आप उनको अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते, उनसे बातचीत कर सकते। यहाँ पे वो मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों की। आपने जैसे अर्ज किया, आप करोड़ रुपए का बना के दे देंगे ना, तो वो करोड़ डॉलर का बेच रहे हैं आपका, आपको वो 10 लाख रुपए महीने के अगर वो सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, तो वो 10 लाख डॉलर वहाँ पे ले रहे हैं उन कंपनियों से जो मिडिल मैन है। तो आप कहते हैं उस मिडिल मैन को खत्म, उस मिडिल मैन को खत्म करो। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं मतलब मैं वहाँ पे जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं आजकल IIT के काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको घर अपने घर में रखता हूँ। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाल की औरत है, वो माशाल्लाह होती है ना, सबसे तकलीफ बीवी को होती है, वो घर आते पाँच मेहमान आ गए, तू जानता भी कौन है ना, आप इन्हें जानते, मैंने कहा मैं इन्हें अभी मिला हूँ, चले ठीक है मेहमान है अल्लाह की रहमत, वो गंद भी पाबंद कई बार फिर भी बेचारी सफाई की मतलब सारी आदत। मैं भाभी तो माशाल्लाह आपके साथ इतने इंटेलेक्चुअल बंदे के साथ रह रही है, ये भी स्किल है ना। अल्लाह ने मैंने एक तोहफा दे दिया, मैं सुना मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है मेरे घर मेहमान आए माशाल्लाह, और जो बीवी होती है ना वो अगर संभाल ना सके मेहमानों को तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है बिल्कुल ऐसे, और वो संभाल लेती है सारा काम माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ आए मेरे पास रहे, मेरे पास मैं आपको रखता भी हूँ ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी सप्लाई करता हूँ, आपको वकीलों से मिलवाता हूँ, कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, आपके लिए जो है आपका जो मतलब जो भी इमिग्रेशन है वो स्टेटस इमिग्रेशन वकीलों से आपको मिलवाता हूँ, लेकिन खुदा के लिए कंपनियाँ जाके अमरीका में। अच्छा मुर्शिद बातों में मुझे बता कि अगर सिर्फ 500 बच्चा मुझे कह रहे हैं तुम मुझे दे दो, तो मैं तकरीबन $30 बिलियन तक अपने जो पाकिस्तान की IT एक्सपोर्टर्स को लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल कर देंगे। तो 500 बंदा $30 बिलियन इतना बड़ा क्लेम। सर देखिए ना वो मार्केट है ना, अच्छा अब आपने US में तो नहीं रहना, कल आप उसका ब्रांच ऑफिस कनाडा में बनाएंगे, वहाँ से आप यूरोप में आएंगे, वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया। अच्छा आप चीज़ों को इतना सिंपलीफाई कर रहे हैं कि बस ये शायद ये सर मैंने खुद किया हुआ है ना, मैं चकवाल जमया भाई, मैं कोई नहीं, वो मैं कुछ इस्लामाबाद जमे या मैं लंदन जमे हैं, और बड़े काम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, तो मैं तो खुद कीते आ ना, मैं तो मतलब ईजी है, कॉन्फिडेंस सिर्फ चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, मैं दसा जो होती है मैंने गाइडलाइन दी है, तो मैं मुर्शिद मसूद कादी बन गया, नहीं तो मैं कद को टैक्सी पर चला हुई हाँ, या कभी मुश्किल मजदूरी पर करेंद हुई हाँ, किसी कंपनी को नौकरी पर करेंद हुई हैं, ये कुछ है ना मैक्सिमम साड़ी थोड़े को कॉन्फिड। अच्छा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन एक आदत बंदे के अंदर डालनी चाहिए, रिसर्च। मैं जब इंग्लैंड मैंने ऑफिस खोला था ना, मैंने एक साल रिसर्च की थी, वहाँ के जितने भी आपके थे आपके डेमोग्राफिक्स, वहाँ भी स्पेंडिंग हैबिट्स उन लोगों की, मतलब ऑडियंस को एनालाइज किया आप? हाँ जी मैंने पूरा जो है ना वो सोसाइटी को एनालाइज किया, वहाँ का बिजनेस एटीट्यूड, उनकी बाइंग हैबिट्स, उनकी कैपेसिटी, पर कैपिटल इनकम उनकी कितनी है, वो मेरी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी प्रोडक्ट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में बेची हैं बखुदा मैं खुद कभी भी ना खरीदूँगा। इंटरेस्टिंग। मैं बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने बेची हैं मैं अपनी ज़ात के लिए वो कभी भी ना खरीदूँ। लेकिन आपने बेच दी? मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर सर, एक मतलब ऑर्डर में 12-15 मिलियन डॉलर होता है। अच्छा मुर्शिद मसूद काजी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिका में इकलौता एक रेस्टोरेंट बनाया है जिसकी यूनिकनेस ये है कि वहाँ पे जो बर्तन है वो मिट्टी के हैं और वो मिट्टी भी पाकिस्तानी है। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये आइडिया कहाँ से आया और इन्होंने वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस पेश आए, और मिट्टी के बर्तन में गोरों को आपने खाना खिला दिया ये अजीब सी बात है,
तो ज़रा बताएं कि आइडिया कहाँ से आया कि आप मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना गोरों को खिलाया जाए? वो मैंने अरेस्ट किया ना कि एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट जायका के नाम से, ठीक है। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं मतलब मैं एक अछूता सी मैं मतलब शख्सियत हूँ, तो मैं क्या करके आ रहा हूँ, मैं सोच मुसलसल सो एक रात ही ना ख्वाब आया मैंने कि मैं ना मिट्टी की हांडी खाना बना रहा हूँ। मैं सुबह उठा, मैंने अपने कंसल्टेंट को कॉल की, मैंने कहा कंसल्टेंट मैंने रखा हुआ था क्योंकि मैं तो रेस्टोरेंट बिजनेस में था ही नहीं पहले। मैंने कहा आ जाओ ज़रा, कहते हुए क्या मैंने कहा आ जाए, गोरा था वो इटालियन अमेरिकन, तो उसका 25-30 साल का एक्सपीरियंस वो जनाब आया रेस्टोरेंट में। मैंने उससे ये नहीं पूछा मैं ये कर लूँ, मैंने उसे कहा कि मैं ये रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, मैं नया रेस्टोरेंट बना रहा हूँ इसकी जगह, और मैं जो है ना वो मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग भी करूँगा और खिलाऊँगा भी। अब मुझे न बखुदा न मैं पाकिस्तानी इतना ज़्यादा पहले नहीं आता था पाकिस्तान, न मुझे ये पता मैंने मिट्टी के बर्तन लेने कहाँ से, न मुझे ये पता कि यहाँ पे उनकी मैंने इम्पोर्ट करने हैं तो उनकी क्या यहाँ पे गवर्नमेंट की पाबंदियाँ हैं या क्या गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशन है। मैंने कहा मैंने ये रेस्टोरेंट बनाना। अच्छा वो अमेरिकन था वो ये कहने का आर यू क्रेजी हु कैन ईट इन अ मड, चिकड़ भी कौन कैसे, मैंने कहा लिसन मैंने लोग खाएंगे। उसने अपनी तकरीर की, मैं तो ज़ाहिर कंसल्टेंट था वो मेरा, तो उसने पूरी उसने कहा जी नहीं इट्स टोटली इम्पॉसिबल। मैंने कहा लिसन आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क योर ओपिनियन, मतलब मैं तुम्हारी सिर्फ ओपिनियन लेनी है, तुम फैसला तू नहीं करना, फैसला मैं करना, ठीक है ना। मैंने ओपिनियन दिया, कहना नो इंटायरली इट्स बुलशिट, दिस आइडिया इज नॉट लाइक यू कैन नॉट मेक इट इम्प्लीमेंट इन USA। ठीक है जाओ अल्लाह इस पर बताना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। मैं तुम दस ना मैं तबीज मनापलाइज और मैं जी चीज़ सोचता होना ना मैं वो इतनी मतलब है वो यूनिक होंगी है और उदे मतलब मैं ख्वाब मैं आया मैं बाली पका रहा तो मेरी ख्वाब भी इतनी होंगी है पावरफुल है वो मैं इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप जो मैं तुम गल कर कॉन्फिडेंस की इट वॉज ऑल कॉन्फिडेंस। अच्छा मैं तो कल में बनाने मैं जना वाली उतो रेस्टोरेंट बंद कर नहीं उस बंद है कि मैं उत्तर कुक मैं उद सपुरद किया मैं तू चला बार मैनेज तू कर तो मैं हो गया पाकिस्तान तो मैं ऐसे थे पहले मैं चकवाल तो पता किए मिट्टी के भांडे उत्थ मैंने उन्हें दसा जी कि असी गुजरात तो लैके आने मैं गुजरात के उस मैं कार इतने रेंट कर ली ड्राइवर समेत वो भाई मैंने उसने दसा जी ये भाई जान मैंने अमरीका तो आए तो इन्होंने कार चाहिए। अच्छा वो जिते वजह मैंने अगों की लीड मिल बजे फाइनली सर मैं पहली परचेज अपनी की अपनी थोड़े इतों अहमदपुर शरके चकवाल तो चले उसमें अहमदपुर शरके पहुंच गए लभदे मुल्तान आया उस मुल्तान ना लेंदा के ये बांडे अच्छी फलानी जगह लैने बहावलपुर तो बहावलपुर गए उन्हें आखिर अहमदपुर शरके तो मतलब मैं आई डोंट नो एनी मतलब मैंने तो किसी कही तो पता ही कुछ अहमदपुर शरके उ वेखो सी दुकाना उ बैठे सड़क के किनारे उन्होंने को पुछो उन्हें मैंने अंदर भेज दिता टाउन के अंदर उत्तर कुबारा के कोल उत्तर मैं ऑर्डर कर दिता उत्थे उस बहावलपुर आया उत्थे मैं ऑर्डर किया खानपुर गए उत्थे ऑर्डर किया गले ले मैं खान इंजे फिर मैं पैक वट चल लगे फाइनली मैं गुजरात तक पहुँच गया पूरा कंटेनर का ऑर्डर हो गया ऑर्डर करके फिर मैं गया सिलम वाली उतो मैं कोई लकड़ी प्रोडक्ट्स बनवाइया फिर मैं वजीराबाद गया उतो मैं चमचम बनवाइया लकड़ी की पिछे होते ना जो चाकू नहीं होता लकड़ी वही मैं चमचम बनवाइया एक महीने में। अच्छा वो तुम मजे की गल दस जो चकवाल पहुँचा ना वापस वो ड्राइवर तो मैंने छोटे भाई ने कहना तुम दसा मेरे भाई ने अमरीका तो आए मैं नहीं लगता अमरीका ये अफरीका तो आए हूँ मैं गड्डी भी जी सुते हैं कहीं मैंने कपड़े मैं धोवाने ने कपड़े मैं नवे गिरा देना रोकड़ी नहीं गड्डी चलना असं ट्रक ड्राइवर स्टाफ जो ना थोड़े इतने उत्थे रात सौंद ठीक है जनाब नालियाँ तो मूह धोना उ बस पूरा महीना मैं गड्डी च रहा मैं तू थक मैं गड्डी दे मैं चला गई सब लेकिन अच्छी अमरीका ये भाई थोड़े अमरीका तो नहीं आए अमरीका बंदे अंत नहीं होते बाल कंप्लीट की थी मैं दो सिक्का उन्होंने मैं जिम्मे लाया कि तुम पैकेजिंग करवानी है तो शिपमेंट करवानी है मैं अमरीका टुट जाकर रेस्टोरेंट बंद किया रेनोवेशन शुरू करवा दी। अच्छा जल्द कंटेनर पहुंचा ना उत्थे वो जनाब क्या होया कि क्लीयर हो गया मैं तो कस्टम क्लीयरिंग एजेंट अपनी कंपनी हायर की थी जल्द कस्टम क्लीयर होने तो बाद टुट गया तो साढ़े को USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने को क्योंकि लकड़ी प्रोडक्ट्स आई उन्हें मिट्टी के भांडे तके ना तो उन्हें FDLN भेज दिए
कि जी ये मिट्टी इन पोर्ट से पाबंदी। अच्छा, आपने मुझे नहीं पता था आप कंटेनर लेके यूएसए पहुंच गए। पहुंच गए, कंटेनर कस्टम क्लियर कर गया, कस्टम यूएसडीए क्लियर कर गया, उन्होंने उनको लेटर भेज दिया कि ये मिट्टी के बर्तन है, इनकी इम्पोर्ट पे पाबंदी है अमेरिका में। फूड अथॉरिटी ने, फूड एफडीए, फूड एंड हेल्थ एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन जो है। अच्छा, इतनी देर में बर्तनों ने मेरे वेयर हाउस में भेज दी। कस्टम जो एजेंट थी वो नहीं, शिपिंग एजेंट नहीं, कस्टम, मुझे एफडीए का लेटर आ गया। उन्होंने कस्टम जहाँ पे बर्तन पड़े हुए वो सील कर दो, Nobody can go in, nobody can come, you cannot move up, मतलब a single piece of clay. मैंने कही ठीक है, मैं कर देना हूँ। उन्होंने कही हम आएंगे और हम वहाँ पे करेंगे इंस्पेक्शन। बर्फबारी होगी बहुत शदीद, वो ना आ सके। हफ्ते बाद आ गए वो, पूरी जनाब दो तीन गड्डियाँ लैबा उन्होंने, वो वेयर हाउस से बाहर खड़ी हो गई। मैं भी ना के जी जैकेट। अच्छा, मैं उससे बड़ा अफसोस है, मैं यार आज जरा मैं मतलब मैं लगता मैं फेल हो गया आज, क्योंकि मैं लॉज नहीं पता। मैं उधर बड़ी तकलीफ है हुई, मतलब वो आए थे, खैर अगर बिस्मिल्लाह करो कुछ। उसने पहले जड़े पे हुए ना बर्तन, वो सारे पे हुए अहमदपुर शिरके से बहावलपुर थे। वो बर्तन की बैग तो स्क्रैच कर, वो मिट्टी इकट्ठी करके वो पूरी पेपर जो पेन वो अंदर जाके वो गड्डी लैब आ लैब हूँ। मैं खलोते हैं मतलब मैं वो बड़ा मैंने जिंदगी का एक वन ऑफ द टफ टाइम मैं आप जरा ना वो आया अगर थोड़ी खाब चिकना चूर पाते हो ना तो बड़ी तकलीफ होती। खैर उन्होंने जी टीम लीडर आई, औरत आई पोलिश, वो आई मैंने को लिए बी पहले उन्होंने पीस बाय पीस शुरू किए, फिर उस तो बाद एक एक केस के अंदरों एक बर्तन कड़िया, फिर उन्होंने रैंडमली शुरू किए। तो आई बार तो मैं क्या वट डिड यू फाइंड इट एनी सो फार वी कुड नॉट फाइंड एनी लैड। असल प्रॉब्लम मिट्टी के अंदर लैड हों, तो मैं क्या वट्स नेक्स्ट जैसे एवरीथिंग वी चेक You are okay to go. वाह। ओ सर, ओ मोमेंट से ना आज ही मैंने याद रो त्रै वर्ड यू आर ओके टू गो आई गेट रिलैक्स। ओ खैर उन्होंने थोड़ी देर बाद सारे उन्हें रैंडमली फिर चेक करने शुरू किए, हानियाँ भी की सारा कुछ ना कही विल सेंड यू एन ईमेल, विल सेंड यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यू आर गुड टू गो। लो जूत हाँ कल मैं भंगड़े पाए फिर वे उसी को लोक। अच्छा, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि ले दे के नहीं नहीं, नहीं। अच्छा वो सर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा मैंने उसे पूछा, अच्छा वो मुझे पूछने लगी ये फैक्ट्री कौन सी है वहाँ पे जो तुम यहाँ से तुमने ये बर्तन बनवाए, क्योंकि इसमें लेड नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान में जो वो स्पेशल फैक्ट्रीज होती हैं जो लेड को निकाल लेती हैं, कहती है दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं, मैं पाकिस्तान ही जाने उन्होंने उल्लू दे पठन ही नहीं पता वो सारी मिट्टी लडेगी कोई, और सारी लेड फ्री सर एफ डी ए ने बाकायदा चेक करके वो पूरी सर्टिफिकेशन है मेरे पास। ये तो आपने वैसे ही एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो गई ना कि पाकिस्तानी मिट्टी वैसे अप्रूव हो गई। हाँ वैसे अप्रूव हो गई ना कि लेड फ्री है, लेड फ्री और हेल्थ के लिए भी नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अमरीका में देखे ना बर्तन आते थे वहाँ पे अपना मोराको से, तुर्की से, मैक्सिको से मिट्टी के बने हुए, इंडिया से मिट्टी के बने, वो उन्होंने स्टॉप कर दिए लेड है उनके अंदर। तो ये तो एक और आइडिया भी दे दिया आपने कि यहाँ के जो बर्तन है वो बिक सकते हैं मिट्टी के बोल। अब हम अमेजोन पे भी बेचते हैं, ई बे भी बेचते हैं, ESTY पे भी बेचते हैं, पूरा वहाँ पे वेयर हाउस मैंने भरे हुए हैं जनाब, मेरी दादा दादा बेच रहे हैं बर्तन भी बेच रहे हैं, साथ वो खुद अपने यूज भी कर रहे हैं, दुकान भी हमने बनाई हुई है रेस्टोरेंट के पीछे, वहाँ भी दादा दादा बिकते हैं बर्तन। देखें जी, काजी मुर्शिद मसूद काजी साहब ने अपने ड्रीम को कैसे फुलफ़िल किया और पाकिस्तानी मिट्टी को यूएसए की अथॉरिटी से अप्रूव करवाया और उसको अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं, पर इनके साथ नशिस्त दिल नहीं कर रहा कि एंड हो, लेकिन बहरहाल टाइम्स अप। इंशाल्लाह ताला आप क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह हम इनसे आपके क्वेश्चन के जो मज़ीद आंसर्स होंगे वो भी हम इनसे किसी और नशिस्त में ज़रूर लेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। मैं यकीन करें जिस तरह बंदा अपने पीर को मिलता है बखुदा, मैं बहुत बड़ी बात कर दी आपने, मैं बखुदा मैं जो ना मैं अल्लाह आपको खुशी रखे, मुझे यही खुशी हुई मतलब आपसे मिलना मैं मेरे लिए सादत सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।